गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने स्टडी की थी मापन की अंतरराष्ट्रीय प्रणाली यानी इंटरनेशनल मेथड ऑफ मेजरमेंट, जिसमें हमने CGS, MKS इन सब पद्धतियों की स्टडी की थी। अगर वो वीडियो आपने देखा है दैट्स गुड, नहीं देखा है तो मैंने इसका डिस्क्रिप्शन आई लिंक बटन में दे दिया है, आप उसको देख लीजिएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उसी का नेक्स्ट पार्ट आज हम स्टडी करते हैं कि जो मेजरमेंट यूनिट्स होते हैं तो इनको जिन भी उपकरणों से, जिन भी डिवाइस से नापा जाता है वो क्या होते हैं। जैसे आपने टीवी बहुत सुना होगा कि आज इतने मिलीमीटर वर्षा हुई, आज इतने इंच पानी गिरा, इतने इंच बर्फ गिरे, इतना ज्यादा दाब से हवा चल रही है। तो इन सभी चीजों को हम मापते कैसे हैं, कैसे हम बता देते हैं कि पानी इतने सेंटीमीटर, इतने मिलीमीटर, इतने इंच गिरा। तो उसके लिए कुछ मापक यंत्र हैं, उन्हीं मापक यंत्रों को हम आज स्टडी करेंगे। तो मैं हूं जितेंद्र मिश्रा, ब्रिलियंट विजन में आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर आपने ऐसा नहीं किया है तो प्लीज रिक्वेस्ट है, तो प्लीज इसको ऐसा कर लीजिए जैसे कि मैं आपके लिए ऐसा ही कंटेंट्स लेकर आता रहूं। तो अगर हम पहले मेजरमेंट इक्विपमेंट की बात करें, यानी पहले मापक यंत्र की बात करें, तो पहला है रेन गेज। इसको हिंदी में भी रेन गेज कहते हैं और इंग्लिश में भी रेन गेज कहते हैं। नाम से क्लियर, रेन माने वर्षा का पानी, बारिश, और गेज का मतलब होता है मात्रा, कितनी मात्रा में वर्षा का पानी गिरा। तो ये वो मशीन होती है जो आकाशीय वर्षा की मात्रा का मापन करता है। इसमें एक इस तरह का सिलेंड्रिकल ट्यूब बना होता है, इसमें आसमान से जब बारिश पानी गिरता है तो वो यहाँ पर इकट्ठा हो जाता है, और कितना पानी इकट्ठा हुआ उसी को हम नाप लेते हैं, हम बता देते हैं इतने मिलीमीटर बारिश हुई है। ज्यादा बारिश होती है तो हम बोलते हैं इतने इंच बारिश हुई है। तो इसे हम वर्षा मापी भी कहते हैं, यानी रेन वाटर मेजरमेंट यूनिट। इसकी खोज की थी क्रिस्टोफर ब्रेन ने। बहुत पूछा जाता है आपसे कि रेन गेज की डिस्कवरी किसने की थी, तो क्रिस्टोफर ब्रेन ने की थी। याद रखिएगा, रेन गेज को क्या बोलते हैं, वर्षा मापी भी कहते हैं, यानी बारिश के पानी को मापने वाला। इसका जो पैमाना होता है यानी किसमें नापता है, तो या तो मिलीमीटर में नापता है, आपने टीवी बहुत सुना होगा, या तो उसको इंच में नापता है। जब बारिश ज्यादा होती है तो पानी को इंच में नापते हैं, बर्फबारी ज्यादा होती है तो उसको इंच में नापते हैं, और जब बारिश कम होती है तो उसको हम मिलीमीटर में मापते हैं। नेक्स्ट है कि किसी निश्चित स्थान की वर्षा का मापन, यानी जो रेन गेज है ये किसी सीमित क्षेत्र पे कितना बारिश हुआ है उसको तो मेजर कर सकता है, उसका मापन कर सकता है, मगर किसी बहुत बड़े एरिया में, पूरे प्रदेश में कितना पानी गिरा उसका मापन ये नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि प्रदेश में अलग अलग स्थान पर अलग अलग कंडीशंस में बारिश होती है। आपने सुना भी होगा कि आज पूरी उत्तर प्रदेश में भारी बारिश होगी, कल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारी बारिश होगी, तो यानी सभी जगह बारिश की मात्रा एक बराबर नहीं है। तो रेन गेज एक बड़े एरिया के बारिश का मापन नहीं कर सकता, इस बात को याद रखिएगा। ये एक सीमित स्थान, एक छोटे स्थान पर कितनी बारिश हुई है इसी की मात्रा का मापन कर सकता है। तो ये जो रेन गेज होता है ये कई तरह का होता है, यानी टाइप्स ऑफ रेन गेज। तो रेन गेज के ये चार प्रकार हैं जिनको आमतौर पर मौसम वैज्ञानिक प्रयोग करते हैं वर्षा के मापन में। पहला होता है ग्रेजुएट सिलेंडर। ये एक सिलेंडर होता है जिस पर गिरने वाली बारिश के भार के आधार पर हम बताते हैं कितना पानी का बारिश हुआ है। नेक्स्ट है टिपिंग बाल्टी। टिपिंग बाल्टी जिसमें कि एक हम बाल्टी का इस्तेमाल करते हैं और उस पर कितना पानी प्रेशर के साथ गिरा है उसके अंदर, उसी के स्टोरेज के बेस पर हम इसको डिक्लेयर करते हैं। नेक्स्ट है वजन गेज, पानी के वजन से बता देता है कितना पानी गिरा हुआ है। और लास्ट है रेन गेज ऑप्टिकल, इसमें पानी से परावर्तन प्रकाश के आधार पर भी हम बताते हैं कि पानी इतनी मात्रा में गिरा हुआ है। तो फिलहाल इतने डीप में आपके सिलेबस में नहीं है क्योंकि आप ज्योग्राफी नहीं पढ़ रहे हो, आपसे बस इतना पूछा जा सकता है कि बारिश के पानी का मापन किससे करते हैं, तो आपका जवाब होगा कि बारिश के पानी का मापन रेन गेज से करते हैं जिसे हम वर्षा मापी कहते हैं, और इसकी खोज क्रिस्टोफर ब्रेन ने की थी, और ये एक सीमित क्षेत्र के बारिश के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन दे सकता है, बड़े एरिया में कितना बारिश हुआ है उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता। अब नेक्स्ट स्टडी करते हैं थर्मामीटर। थर्मामीटर घरों में प्रयोग होने वाला सबसे सामान्य उपकरण है जो कि डॉक्टर की दुकान, हॉस्पिटल, घरों, सभी जगह पे हमने उसका इस्तेमाल होते हुए देखा है। और आप सभी ने अपनी जिंदगी में कभी न कभी थर्मामीटर अपने हाथ में लेकर देखा है, चाहे वो छोटे से छोटा बच्चा ही क्यों ना हो। तो थर्मामीटर है क्या? थर्मामीटर नाम से क्लियर है, थर्मो मीन टेम्परेचर, वर्ड को ध्यान रखिएगा, कहीं भी थर्मो नाम का वर्ड हो इसका मतलब होता है तापमान यानी टेम्परेचर, और मीटर का मतलब होता है नापने वाला, तो जो टेम्परेचर को नापे वही थर्मामीटर है। तो थर्मामीटर ताप मापने का उपकरण है, मीन इट इज द यूनिट फॉर द मेजरमेंट ऑफ द टेम्परेचर।
ये टेम्परेचर को मापता है। कांच के ट्यूब का बना होता है, आपने अगर थर्मामीटर देखा होगा, जो थर्मामीटर डॉक्टर ऐसे छटक करके आपके जुबान या आपके हाथों में लगाते हैं उसी को हम बोलते हैं थर्मामीटर, वो कांच के ट्यूब का बना होता है। इसके अंदर एक सफेद रंग का लिक्विड ऊपर नीचे होता रहता है, जब टेम्परेचर बढ़ता है तो वो लिक्विड ऊपर जाता है, टेम्परेचर घटता है तो वो लिक्विड नीचे आता है, उसी से डॉक्टर आपकी बॉडी के टेम्परेचर को यानी ताप को जान पाते हैं। तो वो जो सफेद लिक्विड होता है वो होता है पारा, पारा मीन मरकरी। और मरकरी के बारे में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये एकमात्र ऐसा धातु यानी मेटल है जो लिक्विड कंडीशन में रहता है यानी द्रव अवस्था में रहता है। बाकी दुनिया में अब तक जितने भी धातु यानी मेटल हमें मालूम है वो सबके सब सॉलिड कंडीशन में रहते हैं। अब अगर हम थर्मामीटर डिस्कवरी की बात करें तो इसका कोई स्पेसिफिक डेट नहीं है डिस्कवरी का। जो सबसे पहला थर्मामीटर हमारे सामने आया था वो 1612 ईस्वी में आया था, संतोरियो ने बनाया था, इटली के रहने वाले थे, इन्होंने सबसे प्रारंभिक सबसे इनिशियल थर्मामीटर इन्होंने ही बनाया था। उसके बाद समय पर उस थर्मामीटर में मॉडिफिकेशन होता गया, आज तो हम डिजिटल थर्मामीटर यूज करते हैं, डिजिटल जमाना है डिजिटल थर्मामीटर। तो उसमें मॉडिफिकेशन क्या था, 1654 में ग्रैंड ड्यूक ने यानी इन्होंने दूसरा थर्मामीटर बना करके आपको दिया जो पहले थर्मामीटर से थोड़ा ज्यादा मॉडिफाई था। फिर 1740 में 1714 में ग्रेबियल फॉरेनहाइट ने एक एडवांस थर्मामीटर बना के दिया था जो कि डिग्री सेंटीग्रेड और फॉरेनहाइट दोनों में तापमान का मापन करता था। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गया कि फॉरेनहाइट में तापमान नापने वाला थर्मामीटर किसने बनाया था, तो ग्रेबियल फॉरेनहाइट, नाम से ही रट डालिए फॉरेनहाइट। और जो थर्मामीटर होता है ये तीन पैमानों में तापमान को नापता है, डिग्री सेंटीग्रेड में नापता है, डिग्री फॉरेनहाइट में नापता है और डिग्री केल्विन में नापता है। आपसे पूछा जा सकता है कि तापमान को कितने तरह से नापा जा सकता है, तो तापमान को सिर्फ तीन तरह से नापा जा सकता है, डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री फॉरेनहाइट और डिग्री केल्विन। अब हम बात करते हैं कि थर्मामीटर कितने तरह का होता है। जी हाँ, समय के साथ साथ इंसान मॉडिफाई होता गया, आज मॉडर्न इंसान, कम मॉडर्न इंसान, वेल सिविलाइज्ड इंसान, सुपरफिशियल इंसान, बताओ सोचो इंसान की कैटेगरीज, जबकि है क्या इंसान, लेकिन जानवर, सिर्फ इंसान एक जानवर है। आपने अपने आप को धोखा देने के लिए मिडिल क्लास, हाई क्लास, लोअर क्लास, ये क्लास, वो क्लास, दुनिया में दो ही सेक्स भी हैं, मेल और फीमेल। तीसरा जो होता है ना, ना तो मैथमेटिकल होता है ना वो सिस्टमेटिकल होता है, वो ऑटोमेटिकल होता है। खैर, तो जो थर्मामीटर है दो तरह के होते हैं, एक होता है एनालॉग थर्मामीटर जिसको आप बोलते हो मैनुअल थर्मामीटर। इसमें क्या होता है कि एक पतले से कांच की पाइप होती है, इस थर्मामीटर को आपने देखा होगा नॉर्मली, और उसके अंदर सफेद रंग का लिक्विड यानी पारा भरा होता है। जब हम उसको अपनी बॉडी के से टच करते हैं, हमारी बॉडी का टेम्परेचर अगर बढ़ता है तो पारा ऊपर जाता है और उसमें पैमाने लिखे होते हैं, जैसे आपकी स्केल पटरी में लिखे होते हैं, तो डॉक्टर उसे नाप लेते हैं इतने डिग्री सेंटीग्रेड या इतने डिग्री फॉरेनहाइट। और ये यूज करते समय एक चीज का विशेष ध्यान देना चाहिए कि थर्मामीटर का चटका ना हुआ हो, क्यों, क्योंकि उसमें पारा है और पारा अगर आपकी बॉडी के अंदर चला गया आपकी जान चली जाएगी। नेक्स्ट है डिजिटल थर्मामीटर जिसको हम बोलते हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में डिजिटल थर्मामीटर। डिजिटल मीन डिजिट, डिजिट माने अंक। जो थर्मामीटर हमारे शरीर के तापमान को अंक में दिखाए उसी को डिजिटल थर्मामीटर कहते हैं। एक पतली सी रॉड जैसी होती है, इसके ऊपर एक मॉनिटर लगा होता है जिसको आप स्क्रीन कह सकते हो, और उस स्क्रीन पे हमें तापमान दिखता है इतने डिग्री सेंटीग्रेड, इतने डिग्री सेंटीग्रेड, इस तरह से। इसके अंदर एक इन्फ्रा रेड सेंसर लगा होता है, पर हमारी बॉडी से जो भी गर्मी निकलती है वो इंफ्रा रेड रेडिएशन के फॉर्म में निकलती है, और इसी इंफ्रा रेड रेडिएशन को वो सेंसर कैच कर लेता है और जितना तापमान काउंट में आता है उतना डिस्प्ले पर शो कर देता है। तो यही कहलाता है एक नया चोचला, क्या, डिजिटल थर्मामीटर। अब अगर हम दूरियों को नापने की बात करें तो कहीं भी कोई दूरी होती है तो आपने सुना होगा दूरी के मात्रक में एक चीज लिखा होता है मीटर, यानी दूरियों को नापने के लिए हम मीटर का इस्तेमाल करते हैं। छोटी दूरी अगर है तो उसको हम मीटर में इस्तेमाल करते हैं, जैसे एक मकान से दूसरे मकान के बीच की दूरी, तो इसको हम मीटर में नापते हैं, ना कि किलोमीटर या किसी और भी पैमाने में, या कोई भी चीज कितनी लंबी है तो मीटर में उसको नाप लेते हैं, इवन हम मकान के साइज को भी मीटर या मीटर स्क्वायर में मापते हैं। तो जो मीटर जो दूरियों का मापन होता है, छोटी दूरियों को नापने के लिए हम मीटर का इस्तेमाल करते हैं, याद रखिएगा इस चीज को। रस्सी लेनी होती है, मीटर में नापते हैं। एक मकान से दूसरे मकान की दूरी, मीटर में नापते हैं। किसी मकान का एरिया, मीटर स्क्वायर या मीटर में ही हम नापते हैं।
मीटर में एक मीटर जो होता है इसमें 100 सेंटीमीटर होते हैं। अगर आप कभी कपड़े की दुकान पर गए हो तो आपने देखा होगा एक लोहे की रॉड होती है लगभग एक हाथ की लंबी, और उसी से वो कपड़ा नाप करके काटता है, तो वो कितनी है, एक मीटर है। उसमें छोटे छोटे पैमाने बने हुए हैं, स्केल्स बने हुए हैं, उसमें एक से लेकर 100 तक गिनती लिखी हुई है, और ये 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू एक मीटर, यानी एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। किसी भी मीटर स्केल से यानी मीटर पैमाने से कम 0.1 सेंटीमीटर यानी कोई भी मीटर पैमाना कम से कम कितना नाप सकता है, तो 0.1 सेंटीमीटर नाप सकता है। यही उसका मीटर पैमाने की नापने की सबसे छोटी लिमिट है। याद भी रखिएगा, एक वर्ड आपको से पूछा जाता है क्लास 9th में बहुत ज्यादा, अल्पतमांक किसे कहते हैं, लीस्ट मेजरमेंट किसे कहते हैं। तो कोई भी नापने वाला उपकरण कम से कम कितना नाप सकता है, वही उसका अल्पतमांक है। अल्पतमांक मीन अल्पतम, सबसे कम मापन, यानी वो कम से कम कितना तौल सकता है। क्लियर? जो अति सूक्ष्म दूरी होती है, बहुत छोटी दूरी, जैसे बोलो इतना किसी तार की मोटाई है, किसी तार की चौड़ाई है, वो कितनी होगी, तो उसको हम स्क्रू गेज से या वर्नियर कैलिपर से या स्फेरोमीटर, स्फेयर माने घेरा, मीटर माने नापने वाला, या स्फेरोमीटर से नापते हैं। याद रखिएगा, लेकिन बहुत शॉर्ट डिस्टेंस को, तार की मोटाई है, सिक्के की गोलाई है, इन सब चीजों को। अब कुछ पैमाने हैं, एक सेंटीमीटर, सेंटी माने 100, तो 1/100 यानी 10^-2 मीटर। इसको आपको लर्न रखना है कि एक सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, 10^-2। पलट के देखो, एक मीटर में कितने सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर छोटा है और मीटर बड़ा है, तो एक मीटर में 100 सेंटीमीटर, और एक सेंटीमीटर में तो 1/100 यानी 10^-2 मीटर। ऐसे ही एक मिलीमीटर में, मिली माने 1000, तो 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं। ध्यान दीजिए, 1 मीटर में, मीटर बड़ा हुआ, 1000 मिलीमीटर होते हैं। तो अगर 1 मिलीमीटर में मीटर पूछा जाए तो उल्टा कर दो, 1/1000, 1000 में कितने 0, 3, तो 10^3 ऊपर आएगा, -3, तो 10^-3 मीटर। ऐसे ही ये कभी यू जैसा कुछ बना मिले, एम मीन मीटर, और यू जैसा बना मिले तो उसको माइक्रो बोलते हैं। तो एक माइक्रोमीटर, इस यू को पहचान लीजिएगा, इसको माइक्रो बोलते हैं। तो एक माइक्रोमीटर में 10^-6 मीटर होते हैं, आपको लर्न करना है। ऐसे ही अगर कहीं पर एनएम लिखा मिले, एन मीन नैनो और एम मीन मीटर, तो नैनोमीटर, तो 1 नैनोमीटर में, नैनो मीन 10^-9, ऐसे याद रखो, 9 नैनो, तो 1 नैनोमीटर जो होता है वो 10^-9 मीटर के बराबर होता है। और आने वाली साइंस की टेक्नोलॉजी नैनो टेक्नोलॉजी है, आप देखिएगा। नेक्स्ट है ए, अगर कहीं पे ए लगा हो और ए के ऊपर छोटा सा गोला बना हो तो इसको बोलते हैं एंगस्ट्रॉम। तो 1 एंगस्ट्रॉम यानी 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10^-10 मीटर। ऐसे ही अगर पीएम कहीं पे लिखा हो, पीएम, पी मीन पिको, एम मीन मीटर, तो 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10^-12 मीटर। याद रखो, नैनो मीन 9, 10^-9, पिको मीन 12, 10^-12। ऐसे ही 1 फर्मी, तो 1 फर्मी इज इक्वल टू 10^-15 मीटर। ऐसे ही 1 AU, ध्यान दीजिएगा ये नया है, AU, एस्ट्रोनॉटिकल यूनिट। कोई भी जो ग्रह और उपग्रह हमारे अंतरिक्ष में है वो एक दूसरे से कितनी दूरी पर हैं, तो चूंकि बहुत दूरी पर होते हैं इसलिए उनका पैमाना बड़ा होता है, उसी को हम AU यानी एस्ट्रोनॉटिकल यूनिट बोलते हैं, और ये बहुत बड़ा पैमाना होता है। तो 1 AU यानी 1 एस्ट्रोनॉटिकल यूनिट, 1 खगोलीय दूरी, 1.496, इसको आप 1.5 भी कह सकते हो। तो 1.496 इंटू 10^, ध्यान दीजिए पावर प्लस में है, 10^11 मीटर। अगर हम देखें तो मिलियन ट्रिलियन से भी ज्यादा हो गया, यानी कि 1 एस्ट्रोनॉटिकल यूनिट एक बहुत बड़ी यूनिट हुई। नेक्स्ट है 1 km, बड़ा बदनाम यूनिट है, km, किलोमीटर, बच्चा जानता है कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, यानी 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, इसको 10^3 आप लिख सकते हो, प्लस 3 की बात हो रही है। नेक्स्ट है 1 प्रकाश वर्ष, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1 प्रकाश वर्ष से आप क्या समझते हो, तो प्रकाश द्वारा 1 वर्ष में चली गई दूरी को 1 प्रकाश वर्ष कहते हैं। बहुत बड़ा यूनिट हो गया, क्यों, क्योंकि लाइट तो सेकेंडों में 3 × 10^8 3×10^8 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चलती है, तो ऐसी कंडीशन में 1 साल में तो लाइट बहुत दूरी तय कर लेगी। तो ये 2 गैलेक्सी के बीच में दूरी निकालने का बहुत बड़ा पैमाना है, मतलब इससे बड़ा पैमाना दूरी निकालने में कोई नहीं है।
तो एक प्रकाश वर्ष बहुत सिंपल से निकालने तरीका, यहाँ पे इकट्ठा लिखा हुआ है कि 9.461 इंटू 10^15 मीटर होता है, 10^+15 है, बहुत ज्यादा हुआ। निकाला कैसे हो गया, लाइट की स्पीड कितनी 3 × 10^8 गुड़े कितने दिन में चलती है 365 दिन में, तो गुड़े 365 गुड़े एक दिन में कितने घंटे 24, इस तरह से हमने इसको निकाला होगा। नेक्स्ट है वन मील, मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर बोलते हैं इसको इंग्लिश में। फिर है वन मील, आपने बहुत सुना होगा एक मील दूर है, तो एक मील लगभग 1.5 किलोमीटर के बराबर होता है। 1.5 किलोमीटर का मतलब एक किलोमीटर में 1000 मीटर, तो 1.5 किलोमीटर में 1500 मीटर, तो इसमें 1.609 यानी 1600 मीटर होता है इंटू 10^3 मीटर। नेक्स्ट है एक गज, गज बड़ा सुना होगा आपने, तो एक गज लगभग 1 मीटर के बराबर होता है, तो वह एक गज इज इक्वल टू 0.9144 यानी मैथमेटिकली आए तो एक मीटर से बहुत जरा सा छोटा, लेकिन चूंकि पॉइंट के बाद 9 है, अगर ये 9 हटा दें तो पॉइंट के पहले क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, यानी कि एक गज लगभग 1 मीटर के बराबर होता है, एग्जैक्ट वैल्यू लिखी हुई है 0.9144 मीटर। नेक्स्ट है एक इंच, बहुत छोटी यूनिट है ये, तो एक इंच में लगभग 2.5 सेंटीमीटर होते हैं, एक इंच में 2.5 सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर और मीटर में कितने का अंतर है 100 का, तो यानी 0.0254 मीटर। क्लियर, तो ये आपके दूरियों को नापने के पैमाने हैं। अब अगर हम द्रव्यमान को नापने की बात करें, द्रव्यमान मीन मेजरमेंट ऑफ मास, कोई भी मास किसमें नापते हैं, तो बहुत सिंपल सी बात है, अगर कभी भी तौलने की बात आती है तो आपकी निगाह में एक चीज आती क्या, तराजू, तराजू मीन बैलेंस। तो किसी भी भार को या किसी भी मास को, द्रव्यमान को नापने के लिए हम तुला यानी तराजू का इस्तेमाल करते हैं। तो कोई भी जो तराजू होता है वो इन पैमानों में किसी भी सब्सटेंस के, किसी पदार्थ के द्रव्यमान को तौलता है। तो पहला पैमाना है ग्राम, तो एक ग्राम जो होता है वो 10^-3 किलोग्राम के बराबर होता है। क्यों, क्योंकि एक किलोग्राम में 1000 ग्राम होंगे, तो एक ग्राम में कितने किलोग्राम होगा, तो 1/1000, तो 1/1000 तो 10^-3 है, क्योंकि 1000 में 3 जीरो होते हैं। ये छोटा पैमाना है, ये बड़ा पैमाना है। नेक्स्ट है एक कुंटल, आप कभी अनाज अगर आपने देखा हो कि आपके घर में अनाज आया है, तो अनाज क्विंटल में आता है, अगर किलो में नापते तो बड़ा पैमाना बनता है, तो एक क्विंटल में 100 किलो होते हैं। तो 1 क्विंटल कभी भी आपके सामने कोई बोले, इसका मतलब वो 100 किलो की बात आपसे कर रहा है। ऐसे ही इससे बड़ा पैमाना यानी इससे बड़ा मेजरमेंट यूनिट है टन, टन आपने सुना होगा, इतने टन अनाज, तो एक जो टन होता है उसमें 10 क्विंटल होते हैं। ध्यान दीजिएगा, एक टन इज इक्वल टू 10 क्विंटल, और 10 क्विंटल यानी एक क्विंटल में कितने किलोग्राम होते हैं 100, तो 10 × 100 यानी 1000 किलोग्राम। तो एक टन इज इक्वल टू, फिर से बोल रहा हूं, एक टन इज इक्वल टू 10 क्विंटल, और 10 क्विंटल इज इक्वल टू, तो 10 × 100 यानी 1000 किलोग्राम। अगला है स्लग, स्लग में होते हैं 14.59 यानी बहुत मोटा मोटा बोले तो 14.5 किलोग्राम इज इक्वल टू 1 स्लग। क्लियर, अब हम देखते हैं कि समय को नापने के क्या क्या पैमाने हैं। जब हम समय को नापने की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सीधी से एक बात आती है, क्या, घड़ी, क्योंकि समय को नापने के लिए हम घड़ी का इस्तेमाल करते हैं। तो समय को नापने के ये पैमाने हैं, समय का जो सबसे छोटा पैमाना है, ये छोटा पैमाना नहीं कहते हैं हम, स्टार्टिंग कहते हैं, तो एम, एम मीन मिली, एस मीन सेकेंड, मिली माने मैं पीछे बताया था 1000, तो 1 मिली सेकेंड, तो 1000 में कितने जीरो, 1000 में 3 जीरो होते हैं, तो नीचे हो गया 10^3, ऊपर आएगा 10^-3, यानी 1 m mean milli s mean second is equal to 10^-3 second, याद रखिएगा। 1 देखो फिर u आ गया, अभी पीछे समझाया था u mean micro, तो 1 microsecond is equal to 10^-6 second। अब यहां पे ध्यान दीजिए ns आ गया, n mean ये भी पीछे समझाया था nano, nano mean 9, तो 1 nanosecond is equal to 10^-9 second। नेक्स्ट है एक घंटा, इसको आप जानते हैं, एक घंटे में कितने मिनट, तो 1 घंटे में 60 मिनट, और 1 मिनट में कितने सेकंड, ध्यान दीजिए यहां पर, 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में कितने सेकंड, 60 सेकंड। तो अगर हम 1 घंटे को सेकंड में कन्वर्ट करना चाहें तो 1 घंटे में कितने मिनट, 60 मिनट, और 1 मिनट में कितने सेकंड, 60 सेकंड, तो 60 × 60 यानी 3600 3600 सेकंड, याद रखिएगा, 1 घंटे में कितने मिनट, 60 मिनट, और 1 घंटे में कितने सेकंड, 3600 सेकंड। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। 1 दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं। कोई आपसे पूछे कि 1 दिन में कितने सेकंड होते हैं, तो 1 दिन में कितने घंटे, 24 घंटे, तो 24 घंटे, और 1 घंटे में कितने मिनट, 60 मिनट, और 1 मिनट में कितने सेकंड, 60 सेकंड, तो ये 86400 आपका आंसर आ जाएगा, यानी 86400 सेकंड होते हैं 1 दिन में।
ऐसे कोई आपसे पूछे एक वर्ष में कितने दिन होते हैं, बच्चा बच्चा जानता है कि एक वर्ष यानी एक साल में 365 डेज होते हैं। नेक्स्ट है वन सेक किसके बराबर होता है, तो वन सेक 10⁻⁸ सेकंड के बराबर होता है, यानी 10⁻⁸ सेकंड के बराबर। अब लास्ट में हम कुछ उपकरण और उनके मापन के तरीकों को हम समझ लेते हैं कौन सा उपकरण क्या नापता है। लेकिन इसकी स्टडी करने से पहले मैं आपको वार्न कर देता हूं कि विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में, चाहे वो टेट हो, सी टेट हो, सुपर टेट हो, सेमेस्टर एग्जाम हो, या और भी किसी तरह के कॉम्पिटेटिव एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो जीएस में यानी जनरल साइंस में या जनरल नॉलेज में इनमें से क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। इनमें से कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान दीजिएगा इसको। उपकरण और मापन दो कैटेगरीज में मैं आपसे बात कर रहा हूं। तो पहला उपकरण है एल्टीमीटर। तो याद रखिएगा ऊंचाई को हम एल्टीट्यूड कहते हैं इंग्लिश में, तो एल्टीट्यूड को नापने वाला एल्टीमीटर। तो एल्टीमीटर ऊंचाई को नापता है। कोई आपसे पूछे कि ऊंचाई का मापन किससे करते हैं, तो एल्टीमीटर से। एनीमोमीटर ये वायु वेग को मापता है कि हवा कितनी तेज चल रही, आंधी कितनी तेज चल रही है, इसको नापता है हमारा एनीमोमीटर। अगला है कार्डियोग्राफ। कार्डियो नाम का वर्ड कहीं भी यूज हो, मान लीजिएगा कि आपके प्यारे दिल की बात हो रही है जिसको आपने बदनाम कर रखा है, तो कभी भी अगर कार्डियो नाम का वर्ड आ जाए तो हृदय से मतलब है। हृदय के डॉक्टर को हम कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं, और हृदय के रोग का जिस डिपार्टमेंट में इलाज होता है उसको हम कार्डियो डिपार्टमेंट कहते हैं। तो कार्डियोग्राफ, कार्डियो मीन हृदय का, ग्राफ मीन धड़कनों का नक्शा। तो जो भी कार्डियोग्राफ मशीन है वो हृदय की गति का मापन करता है कि आपका हार्ट सही काम कर रहा है या नहीं, यानी उसकी गतियां सही है या नहीं है। नेक्स्ट है डायनमो। ये सेमेस्टर एग्जाम 2017 में और 2018 में कॉन्टिन्यूस लगातार पूछा गया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये डायनमो गाड़ियों में लगा होता है, और गाड़ियों में आपको मालूम है कि बैटरी लगी होती है, और बैटरी को चार्ज करने के लिए क्या चाहिए, विद्युत धारा। तो डायनमो एक ऐसा उपकरण है जो यांत्रिक ऊर्जा को, मैकेनिकल एनर्जी को, विद्युत ऊर्जा यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो डायनमो क्या करता है, डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को यानी मैकेनिकल एनर्जी को विद्युत ऊर्जा यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है। नेक्स्ट है फैदोमीटर। फैदो तो आपने सुना होगा कि फला समुद्र इतना गहरा है, फला समुद्र इतना गहरा है, तो समुद्र की गहराई किसमें नापते हैं, तो समुद्र की गहराई को हम फैदोमीटर में नापते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर गैल्वेनी नाम के वैज्ञानिक ने बनाया था, और इसके द्वारा हम विद्युत धारा का मापन करते हैं, ये करंट कितना है, जिसका एक मात्रक और है एम्पियर। नेक्स्ट है पाइरोमीटर। पाइराइट उच्च ताप का एक पैमाना है, तो पाइरोमीटर जो उच्च ताप को मापे, हाई टेम्परेचर को जो काउंट करे, वही पाइरोमीटर है। नेक्स्ट है सिस्मोमीटर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है सिस्मोमीटर। आपने सुनता है कि फला जगह पर इतने रिएक्टर पैमाने का भूकंप आया है, तो वो रिएक्टर पैमाना नापा किससे जाता है, तो रिएक्टर पैमाना नापा जाता है सिस्मोमीटर से। तो सिस्मोमीटर क्या नापता है, भूकंप की तीव्रता को, क्लियर। अब अगर हम बात करें कैलोरी मीटर की, तो कैलोरी किसका नाम मापन है, ऊर्जा का, कार्य को हम कैलोरी में नापते हैं या एनर्जी को हम कैलोरी में नापते हैं, तो कैलोरी मीटर यानी ऊष्मा का मापन, ऊष्मा ही एनर्जी है। नेक्स्ट है कंपास। बहुत सुना होगा आपने, पूछा भी जाता है, समुद्र में और जंगलों में दिशा का ज्ञान नहीं हो पाता, ऐसे भी जंगल हैं जहां पर सूरज की रोशनी पहुंच ही नहीं पाती, तो कि सूरज को देखकर पूरा पश्चिम जान लें, तो वहां पर कंपास के द्वारा हम दिशा का ज्ञान करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हिप्सोमीटर। कई रेलवे स्टेशन पर आपने देखा होगा समुद्र तल से इतने मीटर की ऊंचाई पर, तो ये ऊंचाई कैसे नापी गई है, ये नापी गई है हिप्सोमीटर से। तो हिप्सोमीटर क्या करता है, समुद्र तल से ऊंचाई को नापता है। नेक्स्ट है हाइग्रोमीटर। जैसे इसमें बारिश का माहौल है, आप बोलते हो आज बड़ी उमस है, तो ये उमस यानी नमी यानी ह्यूमिडिटी किसने नापा, ये नापा है हाइग्रोमीटर ने। तो हाइग्रोमीटर वायु की आर्द्रता यानी नमी को नापता है। नेक्स्ट है लैक्टोमीटर। लैक्टो बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं भी लैक्टो नाम का वर्ड आ जाए, आपके दूध की बात हो रही है, जिसके दूध को आप पीते हो, क्योंकि दूध में लैक्टिक एसिड होती है, दूध में मिठास जो होती है वो लैक्टो शर्करा होती है, दूध में जो बैक्टीरिया होता है वो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है। तो लैक्टोमीटर क्या नापेगा, दूध की शुद्धता को नापेगा कि दूध कितना शुद्ध है। नेक्स्ट है रडार। बहुत आपने सुना होगा वो हमारी रडार पर है। रडार जो होता है ये वायुयान की स्थिति को, कि एरोप्लेन की पोजीशन इस समय कहां पर है, उसी को मेजर करता है, इसी को बोलते हैं रडार सिस्टम।
नेक्स्ट है बैरोमीटर। बैरोमीटर वायु के दाब को नापता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है, पिछले साल के सीटेट में भी आया था। तो बैरोमीटर वायु दाब को मापता है। इस तरह से आपका लेसन नंबर 4 फिजिकल मेजरमेंट यानी भौतिक मापन BTC फर्स्ट सेमेस्टर का फिनिश होता है। और प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरा मनोबल बढ़ाइए, मैं आपका साथ ऐसे ही देता रहूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन को लेकर के।